हेलो एवरीवन, हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जिनका यूनिक पेपर कोड है 5241102। उसका हम आंसर नंबर 6 लेकर आ गए। हमने आपको आंसर 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया और 5 भी करा चुके हैं आपको। हमने बस 4 नहीं कराया आपको, बाकी पाँचों क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं करे हैं तो जाके कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एनी 4 ही करने हैं तो आप इनमें से कोई कर लीजिएगा। 4 करना कोई कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो आप कर भी सकते हैं अगर कहीं मिले तो, वरना आपके पास 5 चॉइस है। आपको 5 में से कोई भी 4 करना है जो हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको सिर्फ लिखना है, जल्द से जल्द लिखिए। हमने आपको जल्दी सब प्रोवाइड करा दिया, बस आपका लिखने का काम है। चलिए अब आंसर नंबर 6 देख लीजिए। जो आपका आंसर नंबर 6 है, गिव योर व्यूज ऑन दी पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। टू वट एक्सटेंट डू यू थिंक देयर आर क्लियरली आइडेंटिफाइड डिफरेंट लेवल्स इन दी स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऐसा आंसर लिखना स्टार्ट करना है, बिजनेस रिक्वायर स्ट्रक्चर टू ग्रो एंड बी प्रॉफिटेबल अदरवाइज। फिर यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तक आपको पूरा एक पैराग्राफ लिख देना है। फिर स्ट्रक्चर अलाउज फॉर बेटर कम्युनिकेशन, आपको ये पूरा लिख देना है। फाइनेंशियल प्लानिंग तक, फिर क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, आपको ये भी लिख देना है यहाँ पे। ये भी पैराग्राफ आपको पूरा लिख देना है यहाँ पे एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का भी आपको पूरा पैराग्राफ लिख देना है। कंपनी दैट ग्रो रैपिडली एम्प्लॉय टू सक्सेस। हम आपको मटेरियल पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका काम है सिर्फ लिखना। अब धड़ाधड़ लिखना स्टार्ट किया और चैनल को सब्सक्राइब धड़ाधड़ सब्सक्राइब करना करिए और वीडियो को लाइक भी धड़ाधड़ करिए, ताकि हमें पता चले आपको वीडियो समझ में आ रही है और आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ है और आप हमसे पास भी हो सकते हैं हमारी वीडियो से। फिर अगला पॉइंट, इफेक्ट एफिशिएंट टास्क कंप्लीशन, आपको ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है। फिर फिट्स कंपनीज नीड्स, फिर आपको ये लिख देना है, रन मोर स्मूथली, व्हाट कैन डू रॉन्ग, पुअर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स अबाउ देम, आपको ये पूरा लिख देना है। फिर आगे आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आपको पूछा था, तीन होते हैं। सबसे पहला आ गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और फ्लैटरी, चार होते हैं फ्लैटरी, और फोर्थ आ गया आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में लिख देना है, इंट्रोडक्शन ये पूरा लिख देना है आपको। फिर हाउ सम एडवांटेजेस लिख दीजिएगा इसके बारे में। फिर आपका आ गया दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी आपको लिख देना है, उसके भी एडवांटेजेस लिख देने हैं। थर्ड आ गया आपका फ्लैटरी, इसके भी ये लिख देना है पूरा पैराग्राफ, उसके भी एडवांटेजेस लिखने हैं। और लास्ट आ गया आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, आपको ये भी पूरा लिख देना है इस टाइप से, और फिर इसके भी ये एडवांटेजेस लिख देना है स्ट्रक्चर के, ये पूरा लिख देना है। सब इसके डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं आप पूरा। ये यहाँ पे हो गया आपका आंसर कंप्लीट। हमने आंसर नंबर 6 भी आपको करा दिया, 5 भी करा दिया, 3 भी करा दिया, 2 भी करा दिया, 1 भी कराया। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल विजिट करके देख लीजिए, सबका थंबनेल लिखा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा ये आंसर 1 है, 2 है, 3 है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।